hence recreated. And now I would request our resource persons to begin with the session. Actually ये तो program plan किया गया था forenoon में, but exams के वजह से we have to postpone it for the afternoon session. आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि G20 का इंडिया जो है इस साल प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो उस सिलसिले में देयर आर यू नो लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, और उसमें डिफरेंट ग्रुप्स भी बनाए गए हैं. जैसे यू ऑलरेडी नो देयर वाज Y20 की बात नहीं आ रही. एक दो दो एक 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 दो 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 एक 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 तीन के लिए जोरदार आ गया. वेल डन. अच्छा, इस गेम से क्या सीखा? फोकस, करेक्ट. और कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट. और वहां पे हायर स्टडीज किया. एक बार एक स्कूल में उन्होंने एक मैराथन रेस ऑर्गेनाइज की हैंडीकैप स्टूडेंट्स की. आपको पता मैराथन रेस क्या होती है? Yes. फिर देखा एक खिलाड़ी भागता भागता स्लिप होकर नीचे गिर गया. उसके पैर में इतने क्रैम्प्स आए थे कि उठ नहीं पा रहा था. बाकी खिलाड़ियों ने क्या किया? सबने दे ऑल रैन टुगेदर. क्वेश्चन इज, गोल्ड मेडल किसको मिला? किसको मिला? सबको मिला. कौन जीता? सब जीते. कौन हारा? कोई नहीं हारा. कहते जिंदगी में, हिस्ट्री में सिर्फ एक ही रेस ऐसी हुई है जिसमें कोई नहीं हारा और सब जीते. कौन सा एटीट्यूड था? विन विन एटीट्यूड. आप सुना ना? ठीक. तो यहां से मैंने श्रीनगर भेजने हैं 50 क्रैब्स. कितने? 50 क्रैब्स मैंने एक बाल्टी में डाले, बकेट में डाले, बकेट को ढका नहीं, खुली की खुली बकेट मैंने ट्रक में रखी, ट्रक पहुंचा श्रीनगर. अब श्रीनगर में मैंने बकेट निकाली, मैंने कितने क्रैब्स भेजे थे? 50. नाउ द क्वेश्चन इज, जब मैं बकेट निकालूंगा श्रीनगर में, उसमें कितने क्रैब्स होंगे? 50. कितने क्रैब्स होंगे? हमें हाथ खड़ा करते हैं. ऑलराइट, कॉन्फिडेंस, यस. अच्छा, कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं हाथ खड़ा करते हैं? वेरी गुड. कितने? अच्छा, क्यों? खड़े होकर बोलिए, ध्यान से सुनना. एक दूसरे को खींचने बाहर निकलने के लिए एक ग्रुप है. इससे पहले हमारी यात्रा थी सिक्किम, असम. होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है वी हैव टू बी फिट फिजिकली एंड मेंटली. आजकल हम फिजिकल फिटनेस के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट आजकल मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी टू रिकॉग्नाइज हाउ आवर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड एफर्ट्स कैन लीड टू पॉलिसी चेंज. लेट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ हेल्थियर, मोर इक्विटेबल वर्ल्ड. गुड हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट. And it's up to all of us to make it a reality for everyone. Hey, very good. ये हेल्प करता है हेडेक में, कई बार स्ट्रेस के कारण, एग्जाम्स के कारण सिर दर्द हो जाता है. ये हेल्प करता है सिर दर्द में, माथे को. वंडरफुल. अब अपने गालों को टैप कर. याद है कि छोटे होते मम्मी थप्पड़ मारती थी, क्यों? ताकि चेहरे का स्ट्रेस निकल जाए. इसलिए आवाज ऊंची आ सकती है. खुद को क्लैप करते हुए, चेहरे का स्ट्रेस निकालते हुए. थायराइड ग्लैंड होता है उसको एक्टिवेट करने का प्रयास. थोड़ा जोर से करिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने का प्रयास. वंडरफुल. अब अपनी गर्दन को पीछे की तरफ, गर्दन को एक्टिवेट करने का प्रयास. आपको फील होगा कैसे एनर्जी.
साथ नहीं रह सकती, मुझे घर छोड़ के जाना है बिकॉज आई नीड मोर स्पेस, मुझे और स्पेस चाहिए। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या उनकी जिंदगी में खुशी थी, हाँ या ना? नहीं। बट मन का क्या स्वभाव होता है? मन बोलता है आज नहीं तो कल तो मैं पक्का खुश हो जाऊंगा। प्रभाव अंदर क्या पड़ा, अंदर कैसे महसूस हो रहा है? शांति, खुशी, हल्कापन, जो भी भावना अंदर, उस भावना पे ध्यान देंगे। ये यात्रा रहेगी बाहर से अंदर तक। हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं द इनर चाइल्ड। वो बच्चा बहुत खुश होता है, पर धीरे धीरे हमारा उस बच्चे के साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। जरूरत है उसका। ठीक है, अपने अपने स्थान पर बैठ। जैसे ही राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड भारी हो जाएगा, झुक जाएगा। क्यों? उसके ऊपर ये भारी से सुनहरे रंग की गेंद, झुका हुआ राइट हैंड, इसके ऊपर इस बॉल को धीरे धीरे गोल गोल घुमाना है। हाथ धीरे, अब दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके आते हुए इस गेंद को धीरे से अपने सामने रख दीजिएगा जमीन पे, देखिएगा टूटना जा रहा है। ऑलराइट, हाथ वापस। हाथों में कुछ हुआ? ठीक है, आंखें खोलते हैं, हाथ नीचे लेके आते हैं। कितने स्टूडेंट्स को सुनी अपने दिल की धड़कन? एक बार और सांस लेंगे ऊंची आवाज में सांस छोड़ते हुए। एक और को बोलना है मुंह को बंद रखते हुए, उससे पहले दाहिना, आंखें बंद रखते हुए हाथ नीचे लेके आते हैं। हाथों में सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, जिस तरह से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में एक वर्कशॉप आपकी तरफ से देखने को मिला, जिसमें मोटिवेशन टॉक भी आप कर रहे थे और साथ साथ में बच्चों को लेकर एक्टिविटीज़ भी जो आप कर रहे थे, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे सर? ये सेशन अमिता यूनिवर्सिटी केरल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। अमिता यूनिवर्सिटी विच इज़ द C20 चेयर, अमिता यूनिवर्सिटी के चांसलर माता अमृतानंदमयी, जिनको प्रेम से अम्मा के नाम से जाना जाता है, शी इज़ द चेयर पर्सन ऑफ C20। C20 का एक वर्किंग ग्रुप है इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ, ये पूरा प्रोग्राम इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ वर्किंग ग्रुप के लिए किया गया। ऐसे सेशन हम थ्रू आउट इंडिया कर रहे हैं, इससे पहले सिक्किम, अरुणाचल, असम, ले में हुए, अभी कारगिल में सेशन चल रहे हैं, उत्तरांचल में हुए, उत्तराखंड में हुए। इसका एम है सो दैट द यूथ कैन बी
फिजिकली एंड मेंटली फिट. हॉलिस्टिक हेल्थ का मतलब है फिजिकली इमोशनली मेंटली वी शुड ऑल बी हेल्दी. आजकल हम फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं बट आजकल मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो स्पेशली यूथ में हम देख रहे हैं दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द फिजिकल हेल्थ बट बिकॉज ऑफ द मेंटल एटीट्यूड. तो इसीलिए हमारे सेशन में ह्यूमन वैल्यूज़ का कॉम्पोनेंट होता है, फिजिकल एक्सरसाइज का कॉम्पोनेंट होता है, फोकस कॉन्सेंट्रेशन का कॉम्पोनेंट होता है, विजुअलाइजेशन का कॉम्पोनेंट होता है ताकि वो अपनी अंदर के टैलेंट को पहचान सकें, अंदर के पावर को पहचान सकें. And when the youth is powerful, then the entire country can become powerful. When India can become powerful, India can set up a role, example for the entire world. So this message can be heard throughout the world across all the G20 countries. पहला नमो एरज जो अच्छा कि ये दिन आता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कर गिले हैं लोग G20 आता है कुछ यहाँ C20 जरे छोटा है छाना दिया लोग दासा यहाँ ता जो प्रोफेसर का तो नहीं हो सके यहाँ एक्टिविटीज से खास कर दिया लोग एक्टिविटीज से स्कूल लगा ना चुक छाना और तो यहाँ का चुप शिक्षा छाना और एक नया का चुप फील चीज लेंस छाना दी स्कूल लगा सकते हैं नया एक्सपीरियंस ही मिल नया मतलब कि मेंटल हेल्थ क्या गति मतलब कि सोसाइटी के यहाँ दे फिजिकल हेल्थ के सब स्ट्रेस था लोग डॉक्टर साहब फर्स्ट मेंटल हेल्थ का मतलब स्ट्रेस स्ट्रेस था मतलब माने कंसंट्रेशन से तमाम लोग प्लस कौन जरूरी थी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितना गति थे जरूरी उतना गति थे मेंटल हेल्थ था जरूरी ngata ngati physical health jinna ngata important sune goda physical health ka ngata important ta wase dinga di session to asanga mana ya itna free soaking ang garang mana dinga ma stress ma yot me thila chu chana odenu yana matlab alag alag activities thong na chu jise ki yanta alag alag activities kam se kam yanu 6-7 activities bene chu chana yana dun alag alag feel si chi yon dis kola sa chi ha cha अलग अलग एक्टिविटीज बस गाचे माना वो नाउ लाफिंग बस या गाचे मा एक्सरसाइज बस ब्रीदिंग बस गा माना इतना माने कि मजिक सुरबाया तो मा एक दिन नाउ एक्टिविटीज सुंगा मा गा माइंड फ्रेश सुंगा मा बचपन ही तो जितना बचपन ना तो फ्रीली माने टेंशन में बचा किसी ऐसी हम फिक्र मा बा गाती गाती इमोशन जहर बात और दे देन इमोशन फील सो ये जो है कॉलेज में एक स्कूल में जो है एक एक्टिविटीज हर रोज या एक हफ्ते में होनी चाहिए ताकि जो है माइंडफुल क्या रहे माइंड फ्री रहे एक बच्चा जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है उसकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो साथ साथ में डेवलप होती रहे क्योंकि आज कल ये जो 20th century उसको जो है एज ऑफ स्ट्रेस कहा जाता है. यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोग बच्चे जो है स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, हर कहीं जगह पर कंपटिशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हर स्कूल में हर कॉलेज में ऐसी एक्टिविटीज़ हफ्ते में या एक पीरियड में जो है ये ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि जो है बच्चे की मेंटल हेल्थ पर जो है वो ध्यान दिया जाए.